जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल NIS ऑनलाइन हब में। यहाँ पर दोस्तों बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, और ये जो है भागलपुर से जारी हुआ है ये लेटर। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे निदेशक के द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ है, और 8 तारीख को क्या क्या यानी हुआ है ये लेटेस्ट अपडेट है। और ये देखेंगे दोस्तों ये जो लेटर जारी हुआ है 9/7/2021 जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये लेटर जो है जारी किया गया है, जिसमें NIS डीलेड का जिक्र किया गया है। IAS न्यूज को पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बिहार शिक्षक नियोजन से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रही है आप तक पहुंचाने का जा रहा है हमारा। जब तक दोस्तों आपका विद्यालय में नियुक्ति नहीं हो जाता है तब तक मैं दोस्तों आपके साथ हूं। तो इसी तरह का आप बने रहिए, किसी तरह का परेशानी होते नीचे में कॉमेंट करें, आपका जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों इस न्यूज को पढ़ते हैं, जो कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के द्वारा ये लेटर जो है जारी किया गया है। और जो भी कैंडिडेट 12 तारीख के काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर अभी तक आपका शेड्यूल नहीं मिला है जिला का, नीचे में जिला का नाम जो है कमेंट कीजिएगा, और साथ में जो चयनित अभ्यर्थी का जिस जिला का चाहिए आप नीचे में कमेंट करिएगा। जैसे जैसे अपडेट हो रहा है आपको यहाँ पर चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। तो आइए इस न्यूज को पढ़ते हैं ज़्यादा लेट नहीं करते हुए। तो लिखा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर सेवा में मुखिया स अध्यक्ष परामर्श समिति पंचायत सचिव ग्राम पंचायत बेकटपुर दुधेला, ये भागलपुर से अपडेट निकल के आया है। यहाँ पर देख सकते हैं विषय में लिखा है शिक्षक नियोजन 19-20 को स्थगित करने के संबंध में, यानी कहाँ पर स्थगित हो रहा है आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अलग अलग जगह पर जो है लेटर जारी हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे लिखा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि उप सचिव शिक्षा बिहार शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापन 482 दिनांक 8/6/2020 के द्वारा NIS द्वारा संचालित सेवा कालीन 18 माह DLED प्रशिक्षित प्राप्त TT एवं CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दिनांक 15/6 से लेकर 14/7/2020 तक आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही पंचायत नियोजन के अलावे प्रखंड स्तर पर भी आवेदन प्राप्ति काउंटर संचालित करने का निर्देश दिया गया था। यानी दोस्तों जब NIS कैंडिडेट को मौका नहीं दिया गया था तो आप लोगों ने देखा था कि वो कोर्ट के हवाले गए, कोर्ट के आदेश जीतने के बाद भी शिक्षा विभाग ने जो है लेटर जारी नहीं किया कि मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर जो है उसने ट्विटर कैंपेन चलाया और आखिर ने जो है रमेश पोखरियाल निशंक अभी वर्तमान में नहीं है, तो उसने जो है ट्वीट करके साथ में उसने स्टेटमेंट दिया कि ये बिल्कुल जो है वैलिड है, और ये जो है NIS जो कोर्स कराया गया था ये केंद्र सरकार के द्वारा राज्यसभा और जो दोनों सदनों से पारित कोर्स किया गया, तो ये बिल्कुल ही वैलिड कोर्स था, आखिर इसकी जीत आखिर मिल ही गई। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोस्तों कि ये जो है 1 महीना का समय दिया गया था उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब मैं आगे पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको लास्ट में पूरी समझाऊंगा इस पत्र का मतलब क्या है। पत्र NCTE के द्वारा जल्द जारी किया जाए, क्या कहेंगे मंत्री जी? मुझे लगता है ये बहुत वर्षों से समस्या थी, और जिसमें बहुत सारे अध्यापक गण जो छात्र उससे जुड़े हुए थे उनकी समस्या थी। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था और मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा कि जो हाई कोर्ट का आदेश है उस आदेश का हम लोग सम्मान करेंगे, और मुझे खुशी है कि उसका हमने सम्मान कर दिया है। एक दो दिन में उसका शुद्धि पत्र भी जारी हो जाएगा और जो वो अधर में है उनका रास्ता साफ हो जाएगा जी। तो ये आश्वासन सबके लिए है, और शिक्षा के विभिन्न आयामों को लेकर मंत्री जी आपने जवाब दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिन जिन लोगों ने अपने सवाल पूछे हैं वो जरूर जवाब से आश्वस्त रहे होंगे, और जैसे जैसे वक्त आगे बीतेगा COVID-19 महामारी के चलते जैसे जैसे हालात। आगे लिखा है कि उक्त के आलोक में प्रखंड जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश ज्ञापन 91 दिनांक 27/6/2020 द्वारा प्रखंड स्तर पर नियोजन इकाईवार 2 काउंटर खोलते हुए 2 शिक्षकों को इस कार्य में प्रतिनियुक्ति कर आवेदन पत्र पत्र प्राप्त किया गया। ग्राम पंचायत बेकटपुर दुधेला के मुखिया जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर का फर्जी पत्र का हवाला देते हुए उक्त कार्य हेतु श्री संतोष कुमार कार्यपालक सहायक
अधिकृत किया गया। पंचायत सचिव पर अभी अनुचित दबाव बनाते हुए आवेदन पंजी पर उनसे हस्ताक्षर कराकर पंजी अपने पास रख लिया गया। आगे इसमें लिखा है कि प्रखंड स्तर पर संचालित काउंटर पर उक्त पंचायतों से संबंधित 17 आवेदन प्राप्त पत्र आवेदन यानी प्राप्त जो है आवेदन प्राप्त जिसे प्रखंड जिला शिक्षा पदाधिकारी नारायणपुर के पत्रांग 101 15/7/2020 द्वारा संबंधित पंचायत का आवेदन पत्र पंचायत सचिव को प्राप्त कर लिया गया, लेकिन उक्त आदेश को मुखिया द्वारा पूर्व से संधारित आवेदन पंजी पर अंकित नहीं किया गया। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा शिक्षा विभाग निर्धारित ऑनलाइन आपत्ति दर्ज की गई। प्रखंड जिला शिक्षा पदाधिकारी नारायणपुर ने प्राप्त आपत्ति का निराकरण हेतु संबंधित पंचायत सचिव को प्राप्त कराया गया, लेकिन उक्त आपत्ति पर किसी भी प्रकार का निराकरण नहीं किया गया और कोई अंतिम सूची को प्रकाशित नहीं किया गया। आगे लिखा कि हदवास्तारी से संज्ञान में आने के बाद कार्यालय ज्ञापन 2045 दिनांक 23/9/2020 के द्वारा प्रखंड जिला शिक्षा पदाधिकारी नारायणपुर से जांच कराई गई। उक्त जांच के आलोक में हदवास्तारी द्वारा दिनांक 3/10/2020 को सभी अभिलेख के साथ मुखिया ग्राम पंचायत वेकटपुर दुधेला को बुलाया गया, किंतु मुखिया ग्राम पंचायत वेकटपुर दुधेला उपस्थित नहीं हुए। स्थिति यथावत रहने पर हदवास्तारी स्वयं प्रखंड मुख्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पंचायत सचिव तथा मुखिया के साथ 8/7/2020 को बैठक आयोजित उक्त समस्या का निराकरण करने हेतु संबंधित मुखिया को 17 आवेदन प्राप्त को संशोधित करने हेतु कहा गया, लेकिन उन्हें आगे लिखा है कि उनके द्वारा उक्त कार्य करने से साफ इनकार कर दिया। उसने जो है जो ये पत्र जो संशोधित करने को कहा गया उसने जो है इस पर साफ इनकार कर दिया गया है। आगे लिखा है कि उक्त प्राथमिक शिक्षा निदेशक बिहार पटना द्वारा दिनांक 9/7/2021 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में संभावित मामलों को विमर्श किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत वेकटपुर दुधेला का शिक्षक नियोजन 19/20 को स्थगित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। अतः ग्राम पंचायत वेकटपुर दुधेला पंचायत नियोजन कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। विश्वास जैन जिला शिक्षा पदाधिकारी, यानी दोस्तों यहाँ जो यहाँ पर है यहाँ पर तत्काल जो है स्थगित किया गया है। देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक बिहार पटना दिनांक 9 तारीख को यानी कल ही जो आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था इसमें इस मामले में विमर्श किया गया है, और जिसमें ग्राम पंचायत वेकटपुर जो यहाँ पर है शिक्षक नियोजन 19/20 को स्थगित किया गया है, ये जो है निर्देश प्राप्त हुआ है। आगे इसमें लिखा है कि ग्राम पंचायत वेकटपुर दुधेला पंचायत नियोजन यानी ये जो पंचायत नियोजन है ये तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है, यानी हमेशा के लिए नहीं तत्काल के लिए किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भागलपुर को सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी नारायणपुर और प्रखंड नारायणपुर को यहाँ पर सूचना प्राप्त हुआ है, देख लीजिए, और ये जो लेटर जो है कल के डेट में जारी हुआ है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो क्या करना है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसी तरह का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके बीच में शेयर करते रहूँगा। तो दोस्तों इस अपडेट में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।